हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं मटर आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बना रही हूँ। ये नई वाले आलू है। अब हम बेसिक मसाला लेंगे। इसके लिए हम 5 फ़ोरन, राई, काला जीरा और जीरा कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखें, और सूखी लाल मिर्ची भी है। अब हम सारे मसाले को डाल देंगे 5 फ़ोरन को, और इसे अच्छे से कड़कने देंगे जब तक इसमें खुशबू ना आने लग जाए। फिर इसमें हम पत्ता गोभी, मटर, हरी मिर्ची डाल देंगे अच्छे से। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे ढक के पकने के लिए देंगे 10 मिनट के लिए। जब सब्जी हमारी अच्छी से गल जाएगी, फिर इधर हम टमाटर को क्रश कर लेंगे। अब ये सब्जी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्ची 1/2 चम्मच, अब हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसे ढक के 10 मिनट के लिए और पकने के लिए देंगे, जब तक हमारे टमाटर अच्छे से पक जाते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, 1/2 चम्मच से भी कम चीनी। इसमें 1 पिंच गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के इसे मिक्स करेंगे। ये सब्जी हमारी रेडी हो गई गर्मा गर्म। ये काफ़ी टेस्टी है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। काफ़ी यमी है, एक बार ज़रूर बना के